हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैश एजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास सिक्स साइंस सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, कि फूड हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी क्यों है, तो इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखनी है। प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड इन सनलाइट। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल इन द लीव्स। प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल इन देम। एनिमल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। एनिमल्स सच एज शीप, गोट्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा ईट ग्रास, वाइल वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर्स, लायंस एक्सेट्रा ईट्स मीट। मेनी एनिमल्स विच लिव ऑन प्लांट्स देन फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। तो देखा दोस्तों कि प्लांट्स दे उनके फूड जो है वो फूड बनाने के लिए उन्हें वाटर, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट इसकी जरूरत होती है। सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या बनाते हैं, उनके लीव्स में लीव्स ग्रीन होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। सेम एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, वो उनके फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फूड के लिए उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है। जैसे कि कुछ फूड है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, जैसे कि शीप, गोट वगैरह, हमने देखा वो ग्रास खाते हैं, और जो टाइगर लायन जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो मीट खाते हैं। ओके, सो इसीलिए मेनी एनिमल्स को, मतलब जो एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए प्लांट्स होते हैं और उन्हें फूड लगता है उनकी ग्रोथ के लिए। ओके, नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूजफुल लिविंग थिंग्स एंड हार्मफुल लिविंग थिंग्स। यूजफुल लिविंग थिंग्स प्लांट्स हैं। प्लांट्स आर यूज फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पजेस। फॉर एग्जाम्पल, वसाका, ओकरा, फेनुग्रीक, हिरडा, एस्पेरागस आर यूज एज मेडिसिन। एनिमल्स एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। डॉग्स, कैट्स, काउज, बफेलोज एक्सेट्रा आर द डोमेस्टिक एंड यूजेस। फिश, शीप एक्सेट्रा आर यूज फॉर फूड। हॉर्सेस, ऑक्सेन, कैमल एक्सेट्रा आर यूज फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हार्मफुल लिविंग थिंग्स। प्लांट्स में कौन से हैं? मेनी हार्मफुल प्लांट्स आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, डतूरा, कोलोकेसिया लीव्स, नेटल एक्सेट्रा। एनिमल्स है हार्मफुल। मेनी हार्मफुल एनिमल्स आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मॉस्किटोज, कॉकरोचेस, माइस, रैट्स एक्सेट्रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द यूजेस ऑफ दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमें इन एनिमल्स के यूजेस लिखने हैं दोस्तों। हनी बीज टू मेक हनी। शार्क, शार्क लिवर ऑयल हैज बीन यूज टू ट्रीट कैंसर। याक्स, याक्स मिल्क इज यूज टू फॉर्म सॉफ्ट चीज। शीप टू मेक वूल एंड क्लॉथ्स। अर्थवर्म्स टू फर्टिलाइज सॉइल। डॉग्स टू गार्ड द होम। बीवाल्व्स एज बायो इंडिकेटर्स इन द असेसमेंट ऑफ मरीन पॉल्यूशन। हॉर्सेस टू यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फार्मिंग। माइस यूज इन मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट प्लांट्स हैं जिंजर, इट इज यूज टू प्रिवेंट स्कर्वी। मैंगो, मेडिसिनल यूज ऑफ मैंगो लीव्स। यूकेलिप्टस टू हेल्प लूजन कफ्स। बबूल टू ट्रीट फीवर। टिक यूज्ड फॉर आउटडोर फर्नीचर। स्पिनेच प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीजेस। एलोवेरा यूज्ड इन कॉस्मेटिक मेडिसिन। टर्मरिक इट इज कॉमनली यूज फॉर एशियन फूड। होली बसिल यूज फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन। करंजा इट इज यूज्ड एज बायो पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक फार्म। मो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर पीपल। ग्रेप वाइन यूज फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल। मलबेरी
यूज फॉर ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द पेक्यूलैरिटीज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस लिविंग थिंग्स, स्नेक, टॉर्टोइज, कांगारूज, ईगल्स, शैमेलियंस, फ्रॉग्स, गुलमोहर, स्वीट पोटैटो, क्रीपर, डॉल्फिन्स, एंट्स, रेटल स्नेक्स, ग्रास हॉपर्स, अर्थ वर्म्स। स्नेक्स है, स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, दे कीप ऑन द ग्राउंड। टॉर्टोइज क्रीप ऑन द ग्राउंड विद अ वेरी स्लो स्पीड। Kangaroos jump from one place to another, it can move fast. Eagle can fly high in the sky. Chameleons creep with their four legs. Frogs are seen in the vicinity of water. In water they swim and on land they jump. Gulmohar is a large tree, it cannot change its place. The day its leaflets are spread out in horizontal. Sweet potato creeper needs support and then goes on spreading. Dolphins can efficiently swim with the help of flippers and streamlined body. Ants can walk fast. Rattlesnakes' movements are as slide winding. Grasshoppers fly in the sky and also walking legs on land. Earthworms, they have cuticle over the body with the help of seta cuticle and muscles. Earthworms can wriggle through the soil. The next one is write in detail about how the plants and animals found in your surroundings prove useful or harmful. There are many plants and animals in our surroundings. Some of them are useful and some of them harmful. We try to regulate their population by keeping control. Useful plant, the food which we consume obtained from plants. Agriculture depend on the plants. Useful animal, for farming and transport we need animals, also we need for food. Harmful plants like oleander and lantana have very strong repelling odor. The datura plant is poisonous. Some weeds destroy farmlands. Harmful animals, mosquitoes, flies, lice, etc. Such insects spread the diseases. Some insects spread skin infections. Rats destroy our food. तो दोस्तों ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ये मैंने आपके लिए आपको जो कंसेप्ट है, जो चैप्टर का कंसेप्ट है वो आपका इससे क्लियर होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।